हेलो ऑल, स्वागत है आप सभी के गेम चेंजर्स में। होप सभी का वीकेंड अच्छा रहा। और अभी हम रेडी हैं अपना मंडे अच्छे बनाने के लिए। मंडे के लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन ट्रेड्स हैं, और डेफिनेटली अगर ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगी तो डेफिनेटली वो टारगेट को हिट करने जा रही हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी न्यू स्क्रिप्ट के साथ। हमारे पास फर्स्ट स्क्रिप्ट है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर को हमें बाय करना है 190.80 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 196, सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा 199। स्टॉप लॉस हम यूज करेंगे 187। क्वांटिटी ट्रेड किया जा सकता है 200 to 250। अभी चंबल फर्टिलाइजर ने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो काउंटर ट्रेड हम चंबल फर्टिलाइजर में नहीं करेंगे, हम बाय साइड ही जाएंगे। सेकंड स्क्रिप्ट है हमारे पास स्टार। स्टार को हमें बाय करना है 414.80 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट रहेगा 418, सेकंड टारगेट रहेगा 429। स्टॉप लॉस हम यूज करेंगे 409। स्टार में हमारे पास काउंटर ट्रेड भी है। स्टार को सेल किया जा सकता है 408.40 के नीचे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 405, सेकंड टारगेट रहेगा 403। स्टॉप लॉस हम यूज करेंगे 411। क्वांटिटी सेम ट्रेड करेंगे 200 to 250। बाय साइड एग्जीक्यूशन के चांसेस ज्यादा हैं, तो मैं पॉजिटिव साइड, मेरे लिए मैं बाय साइड ही जाना चाहूंगा। थर्ड स्क्रिप्ट हमारे पास है IGL। IGL सॉलिड सेल सिग्नल बना रहा है। IGL को सेल किया जा सकता है 335.40 के नीचे। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 331, सेकंड टारगेट रहेगा हमारे पास 329। स्टॉप लॉस हम यूज करेंगे 340.80। क्वांटिटी सेम ट्रेड करेंगे 200 to 250। और IGL के लिए भी कोई काउंटर ट्रेड नहीं है हमारे पास। फोर्थ स्क्रिप्ट है हमारे पास GBP INR। करेंसी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज्यादा है और क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन GBP INR को हम बाय साइड ट्रेड करना चाहेंगे। GBP INR को हमें बाय करना है 88.44 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 88.62, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 88.74। स्टॉप लॉस हम यूज करेंगे 88.22। क्वांटिटी रखेंगे हम 10 to 15 लॉट्स। और GBP INR के लिए कोई काउंटर ट्रेड नहीं है। GBP INR वैसे बाय बेस बना रहा है एज पर मी। अभी 2-3 डेज में क्लियर हो जाएगा कि GBP INR किस साइड जाएगा। और इन सब ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अगर अपने माइंड में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। कैपिटल अगर आपके पास 35 है, सेम क्वांटिटी सजेस्ट कीजिए, क्वांटिटी मत एक्सीड कीजिए। अगर स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। राइट टाइम एग्जीक्यूशन जरूरी है। स्पाइक के टाइम पे ट्रेड को एग्जीक्यूट मत कीजिए। अगर सेल और अबव लेवल, सेल और बिलो बिलो लेवल दोनों आ जाते हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए उस लेवल से ऊपर या नीचे ट्रेड को सेटअप होने का, उसके बाद आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। एग्जैक्ट टारगेट के लिए वेट मत कीजिए। अगर आपके पास आपका सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट आ रहा है, बुक कर सकते हैं आप। ट्रेड के साथ फाइट करने का जरूरत नहीं है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो रहने दीजिए उसको। अग्रेसिव मत होइए इस ट्रेड के साथ कि नहीं मुझे रिवेंज लेना है, मुझे प्रॉफिट लाना है। इस चक्कर में मुझे लग रहा है आप और ज्यादा लॉस कर लेंगे। सो बेस्ट है कि लेट इट गो। हमारे पास और अदर स्क्रिप्ट है, हम वहां से पैसा बना लेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर मंडे ट्रेड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो स्क्रिप्ट में, कुछ भी, आप मुझे कॉमेंट कीजिए। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।